2024 चुनाव की लेकर के सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है और जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपने प्रचार प्रसार में हर गांव में पहुंच रहे हैं। आज हम ऐसे गांव में पहुंचे हैं महरौली जो विधानसभा छाता का क्षेत्र है, वहां आज भी महिलाएं जो है वो पानी के लिए तरसती हैं और जो भी प्रत्याशी यहाँ आता है वो बार बार आश्वासन देता है, उसके बावजूद भी अभी तक इनके पानी की समस्याएं न हल हो पाई हैं और न ही कोई प्रत्याशी, जबकि 10 साल से लगातार बीजेपी की गवर्नमेंट है केंद्र में भी और प्रदेश में भी सरकार होने के बावजूद भी हेमा मालिनी सांसद हैं, यहाँ से 2 बार से सांसद हैं और वो इनको आश्वासन दे के जाती हैं, उसके बावजूद भी आज भी पानी के लिए ये लोग त्रस्त हैं और कितनी दूर से पानी लाते हैं हम इनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके की इनकी समस्या और जो आज तक हल नहीं हो सकता। जी बताएं पानी की क्या समस्या है आपके गाँव में, कहाँ से लाते हैं आप पानी? जंगल के। जब प्रत्याशी यहाँ आता है वो आपसे वोट मांगता है तब ये बात कहते हैं आप, तो क्या कहते हैं? कोई ना करे, 3 बजे की 4 बजे की भैया जाए पानी लेवे का, पानी मिले ना नल बेकार है, फिर कोई बनवावे ना नल में। तो ये समस्या कब से है आपके? 10 साल थी, 10-12 साल थी ज्यादा है। सांसद महिला है उनको आपने ये चीज कही है? तो ये समस्या, एक दूसरी और समस्याएं आती हैं कि यहाँ बच्चों की शादियों के लिए भी दिक्कत होती है क्योंकि पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आप ही के क्षेत्र के मंत्री हैं तो मंत्री ने कभी इस पर कोई मंत्री करे ना कोई ना कर रहे हैं, तो क्या चाहेंगे आप, बदलाव चाहेंगे यहाँ, बदलाव हो या मेरे रोल में जिससे आपकी समस्याएं पूरी हो? जी बताएं किस तरीके की समस्या है? पानी खारी पानी है वो आता है या नहीं आता है? मतलब किसी तरीके का पानी यहाँ नहीं है। तो बताएं यहाँ पानी की समस्या तो लगातार बहुत बढ़ रही है, तो अभी तक हल क्यों नहीं है? बाधा कर जाते हैं, कोई नहीं करता, मंत्री आप के क्षेत्र से बात तो ये की है, कोई नहीं सुनता है, बार बार कह रही कोई नहीं सुनता। क्या कहना है उनको? कुछ नहीं, हाँ था कुछ नहीं। तो कैसे आप मानते हैं कि आपकी समस्या का हल हो पाए? अब देख लो साहब, आप जब सांसद से तो हम बिल्कुल आती है, बिजली चली जाए तो बुनिया रही ना, सड़क की वो समस्या तो कोई सुने ना, पानी की बुनिया रहती नहीं बम्बई जाती, हम कौन से रोल नहीं। बताया जा रहा है कि एक आरो भी लगाया गया है, एक बूंद पानी नहीं है, सब खराब है, पैसे के लिए धंधा। अब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ कैसे बदलाव होगा कि पानी आपकी समस्या हल? अगर कोई नया कोई बढ़िया नेता आवे वो करे अपने लोकल, अपने लोकल। क्या आपको लगता है कि जो प्रत्याशी मैदान में है और अपनी बात पे टिकेंगे? आपके गाँव में कितनी बार आई है? एक भी बार नहीं, एक घंटा की। आपको लगता है कि यहाँ बदलाव होने से आपकी समस्या हल होगी? बिल्कुल, लोकल है, अपने लोकल पे अपनी समस्या हल करेगा। और क्या समस्या है? पहले नंबर तो पानी की, बिजली की, सबसे ज्यादा समस्या पानी की। पानी की, पानी की समस्या तो ये सरकार जब बनती है उससे पहले हर बार आपको आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन आश्वासन रह जाता है, मगर अभी तक ये समस्या हल नहीं। तो आपको लगता है कि समस्या ये हल हो पाएंगी या बिल्कुल होंगी? हमारा जब लोकल होगा, जब अपना सांसद लोकल होगा बिल्कुल होगी। बताएं किस तरीके की समस्या है? पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। जब यहाँ लोग शादी करने आते होंगे तो सबसे पहले ये बात भी रखते होंगे, तो क्या आपको कैसा लगता है कि तब क्या लगता है कि हमने जो चुना है वो गलत किया? अच्छा नहीं लगता है, जब वो सुनते हैं कि यहाँ पानी की समस्या है तो वो खड़े होकर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दर्द जो है वो दर्द महसूस होता है। जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे गांव की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या खारे पानी की मानिए, और जबकि महिलाएं जो जब आज ये गांव इसीलिए पिछड़ रहा है क्योंकि अगर बच्चों की भी बात करें तो बच्चों से के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, कि जिस तरीके से यहां जो नेता आते हैं उसके बावजूद भी अभी तक समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले प्रत्याशी क्या इनकी समस्या का हल कर पाते हैं या नहीं, या यूं ही ये लोग परेशानियों से जूझते रहेंगे। अपने साथी के साथ मदन सारस्वत, पंजाब केसरी टीवी, मथुरा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।